वालेकुम सलाम। अच्छा, आज लाला मूसा से खारियां की तरफ यहाँ से काफिला रवाना दवा होगा, यहाँ पर इंतजाम हो रहे हैं इमरान खान की गैर मौजूदगी में, और जो फायरिंग हुई है उसके बाद कोई कमी वाक़ हुई या नहीं? कमी तो वाक़ नहीं है, उसके वाक़ क्या कमी होनी है, इसका तो जज्बा और बढ़ गया है। ये जो लाला मूसा और खारियां, ये तो वो वाम का समंदर है। यहाँ भी दिखाएंगे कि ये बड़े शहरों की तरह ये भी है, लाला मूसा भाई छोटा शहर है, देखिए इसका समंदर बहुत ज़्यादा है ना, ये हर एक घर में चला गया है। इसका ये जितना जज्बा है ये बढ़ता ही जा रहा है, ये जिस दिन बढ़ता जा रहा है ना, इनकी कम पे और टांग रही है। ये शबाश ये भाई जो लंदन में बैठा हुआ, ये क्या मशवरेकार है पाकिस्तान में? तुम पाकिस्तान को क्या बना रहे हो? तुम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करो, तुम बाहर जाकर क्या नुमाइंदगी करो? हम तो बाहर के हुकूमतों तो नहीं है, हम तो पाकिस्तान के हुकूमतों में नुमाइंदगी करते हैं। तो आप किस बात की लंदन जाके उस मशावरकार है आर्मी चीफ की और इस बात की? यह जो राणा सनाउल्लाह है इसके तबीयत खराब हुई है, अभी तो तबीयत खराब हुई है, अभी तो तुमने जेल में भी जाना है, अभी तुम्हारी फांसी का ही वक्त आना है, अभी तुमने तो मरने का भी वक्त आना है, तो तुम फिर क्या करोगे? ये तुम कहते हो लॉन्ग मार्च नहीं देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम पुलिस कर देंगे, ये कुछ नहीं तुम कर सकते, इसे तुम भगा नहीं सकते। ये जो लॉन्ग मार्च है ना कि किया लॉन्ग मार्च, ये आज़ादी मार्च है, ये वो मार्च है जो काजियाने ने बनाया था, जब 1947 पाकिस्तान ने बनाया था, ये वो मार्च है। इस जात को तुम कैसे रोक सकते हो? ये जो लॉन्ग मार्च है ये तो अपनी मंजिल के लिए जाएगा, ये बढ़ेगा। ये जो हुकूमत ना, मुझे ये बताया हुकूमत किस मकसद के लिए आती है? यह तो कह दिया महंगाई के लिए आ जाएगी, महंगाई कहाँ है? आज जो महंगाई तो आसमानों पर पहुंच गई है, हर चीज दो दुगनी हो चुकी है, पाए जो चीनी ले ले, आटा ले लें, रोटी उसके अंडे ले लें, कॉस्मेटिक ले लें, कपड़े ले लें, हर चीज़ आज वाम रो रही है, किराए दे लो इतने बढ़ गए हैं, वाम रो रही है, वाम लड़ रही है। कहते वही था, वही ठीक था हाँ साहब, लेकिन हम समझते नहीं थे हाँ साहब ने क्या कहा था उस वक्त। लेकिन 3 साल इमरान खान ने भी हुकूमत की है और इस हुकूमत में भी और इससे पहले भी नून लीग की हुकूमत थी, कोई फर्क देख रहे हैं आप या नहीं? फर्क तो बहुत देखा, लेकिन हाँ दो में सिर्फ महंगाई इसलिए हुई थी आर्मी मार्केट की वजह से महंगाई हुई थी, वैसे महंगाई नहीं हुई थी। लेकिन जो इससे पहले दौर था वो भी ठीक था, लेकिन हाँ साहब का दौर बिल्कुल ठीक था, उसमें तो उछाली आनी थी। ये जो एंड होने वाला था इसमें तो आई एम एफ ने कहा था हम हमारी जान छूट जाएगी आई एम एफ से, ये थोड़े दिन थे, इनको पता चल गया था, इसलिए इन्होंने IMF का प्रोग्राम, इसलिए इनको पता चल गया हाँ सब का निकल गया तो फिर हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ये जो महंगाई थी ये महंगाई है नहीं, अब जो महंगाई है ये क्या इससे ज़्यादा महंगाई है? वो तो है नहीं, वो और कम हो जानी थी, 150 पेट्रोल था तो इससे कम और हो जाना था। आज आदमी मार्केट में $104 था तो आज देखे $90 से भी नीचे आ गया, फिर आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है। लेकिन इन लोग हुकूमत को समझ नहीं आ रही है कि महंगाई है क्या चीज़, ये तो महंगाई के लिए नहीं आई, ये अपने केस माफ़ करने के लिए 1100 रुपया केस इन्हें माफ़ कर दिया है, जो इन्होंने साफियों के साथ किया ना जुल्म, मैं इसको पर शदीद मुज़म्मत करता हूँ। ये जितने भी साफी इनके साथ भी बिक जाए मैं उनको कहता हूँ आप इतना ही खराब होंगे, आप इतना ही बुजदिल होंगे। वो साफी हैं जिन्होंने हक को सत का साथ दिया, जो इन्होंने अक्षर शरीफ के साथ कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं आ रही, ये हो गया, फैमिली को क्यों नहीं दे रहे, ये किस बात से डरे हुए हैं? इनको साफ चाहिए, इंसाफ के मुझे अगर इन लोगों के सामने मिल गया तो मैं समझता हूँ फिर आम आदमी जो गरीब आदमी उसको कैसे इंसाफ मिलेगा। सबसे बड़ा मुताबा यही है के साफियों को इंसाफ दिया जाए, जो साफी इमरान के साथ खड़े होते हैं आप उसको जिम्मेदार, बात तो बात करनी करनी है, साफी का काम होता है बात करना, हमारा काम होता है जवाब देना, भाई सच है भाई गलत है, आपको तो बर्दाश्त करनी चाहिए। यह हुकूमत बर्दाश्त के लिए नहीं आई हुई, यह हुकूमत सिर्फ धमकाते हैं, डराते हैं, जेलों में जाते हैं, हम ऐसा कर देंगे, लेकिन इससे फायदा नहीं होगा। इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे क्या हासिल करेंगे, इससे हम नुकसान हासिल करें? फायदा उसी का ही होता है जिसने हक को सच का साथ दे रहा है, फायदा उसी का होना है जिसने अवाम के जज्बे से खड़ा, जिसके अवाम के दिलों की नुमाइंदगी क्यों नहीं है। मैं तमाम चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं पूरे लाला मूसा के उस शामदील लोगों को कहता हूँ कि जितनी भी वाम है कहता हूँ वाम बाई लिख रहे, अपने मुस्तबिल के लिए लिख रहे, अपनी महंगाई जो कहते हैं महंगाई के लिए लिख रहे। आप हमारा मतलब सिर्फ इलेक्शन है, आम इंतबाह करवा दे, जो वाम की नुमाइंदगी से आता है वो वाम की हुकूमत बनाए, हम उसे शामदी का दब जे जो जो भी आए, भाई इमरान साहब आए, नवाज शरीफ आए, सरदारी जो भी आए वाम की हुकूमत तो कहती है कि जो इंतखाबात होंगे वो अपने टाइम पे होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। बिल्कुल इंतखाबात भाई टाइम में हो पाए होंगे, लेकिन मैशियत कैसी ठीक होगी मुझे इस बात का समझाए, इलेक्शन तो जो तब भी होंगे ना या लेट करने पाए चल के मैशियत ठीक कैसे होगी? हमारा मुताबा सिर्फ इंतहाबाद है, इंतहाबाद से ही आ सकती है। जो अमेरिका का गुलाम है बरतानिया, जो बाइडन है, इसने तो कहा था पाकिस्तान खतरनाक मुल्क हो गया, अब इसको बात को कैसा हल्का ले रही है ये लोग? वो नहीं नहीं उसने तो गलत कहा, उसने सही कहा,
उसने सही कहा हत ना मुलगा कि पांसियाँ देख के गलत है। आर्मी सब जब भींग मांग रहे हैं, मैं आया नहीं, बकारी की तरह भींग मार रहा है, कभी कहता है मजबूरी है, कभी कहता है कि नहीं 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 हमारे लिए यही काफ़ी है। ये इसको मैं बता दूँ शबाशिव, आप शबाशिव नहीं हो, तुम्हें बोलना क्या आता है, तुम पर्ची बिलावल की तरह ले आते हो, जो पढ़ता है वो लिख दे देते हो, जो नहीं तो वो नहीं। और जब साफी सवाल करते हैं तो उसकी जो बांदरी शक्कर वाली मोड़ा मोड़ जेब जो बांदर है वो अपनी मर्जी सवाल कराती है, ऐसा करो ऐसे सवाल करो, सवाल जो साफी करने वही होते हैं। लेकिन इंतहाबात इसी वक्त इसी साल के दिसंबर में देख रहा हूँ, मैं कोशिश दुआ करूं कि इंतहाबात इसी साल दिसंबर में होंगे, अगले साल नहीं होंगे, अगले साल नहीं होंगे, अगले साल होने का मतलब ये होगा ये तो पहले फारिग हो जाएंगे, क्योंकि आर्मी चीफ तैनाती 30 नवंबर में, उसके बाद देखेंगे सूरत हाल इंशाल्लाह बदलेगी। और हाँ साहब ने जो कहा, हाँ था इस्लामाबाद पहुँच कर हम वापस तब भी आएंगे जब इंतहाबात की तरी ले कर ही आएंगे, इंशाल्लाह ये कामयाब होगा, इंतहाबात इसी साल में ही होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।